बड़ी हमारी लाइफ की दूसरी खुशखबरी यही है। Welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे एंड ये व्लॉग है वेनसडे मॉर्निंग का। तो यहाँ फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पहुँच गए हैं पुणे। तो हम आए हैं यहाँ अमन के पास और खुशखबरी आपको ब्लॉग चलने दीजिए, स्किप करके मत देखिएगा, बस आपको आज सेकंड वाली बहुत बड़ी हमारी लाइफ की जो खुशखबरी है वो मिलने ही वाली है। तो अमन आ गया था एयरपोर्ट पर लेने के लिए एंड तो यहाँ बस गाड़ी में सामान लगा रहा है अमन। और ये लाल वाला बैग आप देख सकते हैं, मम्मी के उस हाथ में एक पॉलीथिन भी है थोड़ी बड़ी सी जिसमें दाल पूड़ी की सब्जी है। तो इन दोनों का ही मन था, प्रिया और अमन दोनों का, कि आप लोग आ रहे हैं तो पॉसिबल हो तो दाल पूड़ी ज़रूर ज़रूर लेकर आइएगा। और उसको रबड़ी बहुत पसंद है कलकत्ता की, तो वो भी ले ली थी। तो बस इस तरीके से पहुँच गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना टाइम जब होता है कोलकाता में तो अच्छी खासी धूप आ जाती है, बट यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। आगे मैं मौसम की पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ। एंड फाइनली यहाँ इन लोगों की सोसाइटी में हम पहुँच गए हैं, जा रहे हैं ऊपर 11th फ्लोर पर इनका घर है। जैसा कि आप सभी को पता है पूरे पक्का एक साल शायद थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है इस तरीके से अब हम दोबारा से यहाँ आए हैं एंड किसी रीज़न से ही इस बार आए हैं, बहुत बड़ा रीज़न है। तो बस यहाँ आ गए हैं घर के बाहर और प्रिया हमारा वेट कर रही है हमेशा की तरह। जैसे आप लोगों को सभी को प्रिया की स्माइल बहुत पसंद है, तो बस हमेशा की तरह एकदम मुस्कुराती हुई आएगी और अब हमसे मिलेगी। और कितने समय के बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, नहीं तो सिर्फ फ़ोन पर ही बातें हो पाती हैं और बार बार आना होता भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मिल लिए थे और अब थोड़ा चैन से बैठे हैं, क्योंकि जब एकदम रात की फ़्लाइट थी हमारी 2:50 की कुछ, तो सुबह से जो उठे हुए थे काली घाट गए सारा काम पैकिंग, तो चैन से बैठे नहीं हैं कि हमारी तो एक बार फ़्लाइट छूट भी चुकी है तो वो गलती हम नहीं करना चाहते हैं। और वैसे भी कहीं निकलते हैं तो फिर कहाँ इतना समय रहता है कि लेटो आराम करो, बस तैयारी करने में ही सारा समय निकल जाता है। तो बस आके थोड़ा बैठी पानी पिया और इनके घर का सबसे फेवरेट प्लेस मेरा यही है बालकनी। तो व्यू तो देखने दिखाने लायक है, जितना अभी दोपहर में भी आपको अच्छा लग रहा है व्यू, उससे दुगना तिगुना आपको अच्छा लगेगा जब मैं रात का व्यू आपको शो करूँगी। यहाँ पे टेबल चेयर लगा के रखी हुई है, बस बैठ जाओ चाय पियो अपना टाइम स्पेंड करो। जैसे कि वो भी ऑफिस से आता है अमन, तो एक मन करता है ना कि अपने घर का एक स्पेस ऐसा हो जहाँ बैठ के बड़ा सुकून मिलता है, तो इनकी बालकनी बहुत सुकून वाली है और मुझे बहुत पसंद है। हमारे घर परिवार में जितने भी लोगों का घर है ना, इतना अच्छा व्यू किसी के भी घर से नहीं आता है, तो आप समझ लो कि पूरा पुणे ही दिखने लगता है इसके बालकनी से। और बगल में एक पहाड़ जैसा भी है, तो मुझसे बोल रहा था, पिछली बार भी बोला था कि इस पर हम लोग चढ़ के भी गए हैं, तो आप खाली शू वेयर कर लीजिएगा तो मैं और आप चलेंगे उस पहाड़ पर चढ़ेंगे। तो चलिए जिस दिन आई थी उस दिन तो शाम को थोड़ा, आज यानी कि इसी ब्लॉग में शाम को निकली भी थी बाज़ार वगैरह, तो उस टाइम पे कुछ 6:45 का टाइम हो रहा था, तो फिर अमन ने बोला कि नहीं अभी थोड़ा अंधेरा भी होने लग गया
गया है तो अभी पहाड़ पे नहीं जाएंगे, नेक्स्ट डे चलेंगे। अब आपको पता चलेगा कि हम गए थे कि नहीं गए थे, और यहाँ बैठ के एक फैमिली टाइम बहुत समय के बाद स्पेंड किया तो बहुत अच्छा लगा। चाय वगैरह पी ली थी, और अभी आप देखिएगा कि उसको प्रिया को चाहिए था। पिछली बार उसने बोला था कि मौसी जब भी आप आएंगे तो जैसे कोलकाता में काफ़ी सस्ती कुर्ती मिल जाती है, जो होलसेल की जो दुकान है, दिव्यांशी नाम है, मैंने कई बार आपको शो भी किया है कि मैं वहाँ से सूट वगैरह लेती हूँ। आप चाहें तो मैं उनका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और उन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट्री सूट भी दिया है, मैं गई थी फिर से मार्केट उनके दुकान में, तो ये कुछ दो सूट में पूरा सेट जो होता है वो लेकर आई हूँ। दोनों ही सूट में से एक सूट में सिर्फ दुपट्टा है, एंड ये वाला जो अभी सूट खोला हुआ है ब्राउन टाइप का, तो इसमें दुपट्टा नहीं है, ये नायरा कट है। और ये वाला भी सूट बहुत ज़्यादा सुंदर है, और स्पेशली इसका दुपट्टा पूरा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। तो आने वाले व्लॉग में, यानी कि पूना से जब मैं निकलूँगी कोलकाता के लिए, उससे पहले किसी व्लॉग में आपको जो मैं प्रिया के लिए लाई हूँ तो मैं ज़रूर से आपको पूरा शो करूँगी इसका वर्क वगैरह। तो ये जो कुर्ती प्रिया खोल रही है ना, ये जस्ट फॉर ₹200 है, एंड डेली वेयर में बहुत अच्छी है। तो ये सारा ही सब कुछ मैंने दिव्यांशी से ही लिया है, और उसके बाद में यहाँ होने लग गया है ब्लड टेस्ट प्रिया का। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट वगैरह बोले थे, तो ये भैया आए थे जैसे हमारे घर पे आ जाते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, तो वही बोल रहे हैं कि आप कम से कम 1.5 से 2 घंटा कुछ खाइएगा मत। तो अमन बोल रहा है कि भाई थोड़ा तो रहम करो, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो इस तरीके से वो चले गए थे ब्लड टेस्ट करने के बाद में, और यहाँ हमेशा की तरह हमारी मम्मी ने आते ही कपड़े धो डाले हैं। मतलब कपड़ा रखा नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कैसी भी जर्नी हो वहाँ कपड़ा ज़रूर धोना है, और एकदम सबसे पहला यही काम करना है। जर्नी पे आदमी आता है क्या करने, कपड़ा धोने के पहने की, ये देखिए आके सबसे पहले यहाँ कपड़ा धोए हैं, सोना लटक रहा है उसमें। तो ये वाला जो कपड़े सुखाने का स्टैंड जो इजीली ऑनलाइन में मिल जाता है, इन लोगों ने यही मंगा के रखा हुआ है। दो लोग ही रहते हैं हस्बैंड वाइफ, तो इनके लिए इनफ है। और हमारे यहाँ तो जितने कपड़े धोते हैं, जैसे धोबी घाट में इतने कपड़े धुलते हैं, तो उसके लिए तो पूरी बालकनी और छत चाहिए सुखाने के लिए। तो बस यहाँ ले आए थे दाल पूड़ी और बढ़ाकर ही लाए थे, तो सब ने नाश्ता इसी चीज़ का किया था। एंड आते ही अमन ने ब्रश वगैरह करके सबसे पहले अटैक किया है दाल पूड़ी पे, और प्रिया ने भी एकदम मन भर के दाल पूड़ी खाई है। तो यहाँ ऐसी मिलती भी नहीं है, और हमारे काली घाट में जैसी दाल पूड़ी मिलती है वो शायद वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगी जो टेस्ट वहाँ मिलता है। और मैंने खा पी के भाई मैं तो सोई नहीं थी, सारी रात से भी नहीं सोई थी, तो मैंने बोला कि अब मैं थोड़ा सोऊंगी आराम करूंगी। और यहाँ इससे मैं बात कर रही हूँ कि ये वाली पेंटिंग बड़ी बढ़िया लग रही है जो रखी हुई है, राधा कृष्ण की पेंटिंग है। तो अमन ने बताया कि इनके पड़ोसी ने दी है, 3D पेंटिंग है, ऐसे लग रहा है जैसे एकदम सामने जैसे बैठे हुए हैं, कुछ अलग ही है। तो दिखाऊंगी फिर से आपको आने वाले व्लॉग्स में। और यहाँ पे मैं सो गई थी, उसके बाद फिर मैं उठी हूँ दोपहर के तकरीबन 1:30 बज रहे थे, तो थोड़ी नींद हो गई ना, तो एकदम माइंड फ्रेश हो गया था, वरना ऐसे लग रहा था जैसे बैठे बैठे झोंके लग रहे हैं, हिल रही हूँ मैं। और बस यहाँ पर फिर से खाना खाने के लिए मैं बैठ गई थी, क्योंकि नाश्ता किया था वही सुबह तकरीबन कुछ 7:45 या 8 का टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ इन लोगों ने तो सबने खाना खा लिया था, मैं सो रही थी तो मुझे फिर डिस्टर्ब नहीं किया किसी ने कि चलो नींद हो जाए तो ठीक है। और उसके बाद सारा दिन इसी तरीके से हम तीनों का ही बात करते करते ही निकल गया। और अभी शाम के कुछ 4:30, 5:15 इस तरीके से हो रहे थे, तो मैंने बोला कि तू बैठ मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि सुबह से ही लगी हुई थी। उसकी एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उसको किसी भी काम के लिए बोलना बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, बहुत ही समझदार है, और घर भी अपना बहुत अच्छी तरीके से संभाल के और समेट के रखा हुआ है। तो बहुएं तो हमारी तीनों ही बहुत अच्छी हैं, और बिल्कुल घर को बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखती, चाहे हम कहीं भी चले जाएं तो हमें खुशी ही होती है देख के। और यहाँ बनाने लग गई हूँ चाय, अपनी वाली फेवरेट चाय। तो इधर चाय बनाने के बाद में फिर मैंने इन लोगों को चाय दे के, इन लोगों को क्या, मम्मी ने ही उस टाइम पे चाय पी थी, और प्रिया ने बोला कि मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी, बस एक ही टाइम गर्मी में चाय पीती हूँ। तो मम्मी को चाय दे के फिर मैं चली गई थी बालकनी में।
इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा, थोड़ा चेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है। एंड डायरेक्ट सनलाइट मेरे फेस पे पड़ रही है, आप देख रहे हैं, एक बूंद भी पसीना नहीं है। तो हवा का तो यहाँ कुछ बोलना ही नहीं है, उनके जो ग्लास उल्टे लटका के सजाए हुए हैं वो इस तरीके से झूलते रहते हैं, तो हवा अच्छी खासी चलती है, इसलिए बालकनी का ये जो स्लाइड डोर है इसको बंद करके रखते हैं ज्यादातर। तो मौसम का यहाँ बताऊं तो एसी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पंखा में बैठो काफी है। ये ऐसी सड़ी गर्मी जो कलकत्ता में पड़ रही है वहां तो एसी के बिना अब जीना पॉसिबल नहीं है, इतनी ज्यादा गर्मी है वहां पे। बट यहाँ बहुत अच्छा है मौसम, और शाम को बता रहे कि और अच्छा हो जाता है। हवा आप देख सकते हो कि कुर्ता और नीचे से उड़ के पूरा ऊपर तक आ रहा है, इतनी ज्यादा हवा यहाँ पे अच्छी चल रही है। तो बस चाय बना ली है, एंड प्रेग्नेंट है प्रिया और नीलू की वाइफ मनीषा, तो दोनों ही बहुएं प्रेग्नेंट हैं। तो सबसे बड़ी हमारी लाइफ की दूसरी खुशखबरी यही है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दादी बनने जा रही हूँ मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे, एंड प्रेग्नेंट है बट बहुत ज्यादा एक्टिव है, ऐसा नहीं कि लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं बिल्कुल इस चीज में। तो अभी वो सुन नहीं रही है, उसके पीठ पीछे से बोल रही हूँ कि बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है। तो बोला कि सुबह से लगी हुई है बैठ, चाय में बनाती हूँ। अभी फिलहाल उसने अपनी इच्छा जाहिर की है, मैंने पूछा है कि क्या खाएगी बता, तो बोली मसाला डोसा खाना है, जो आपने व्लॉग डाला तो उसमें देख के मेरा मन कर गया है, तो मैंने बोला ठीक है। तो कल तो हम जा रहे हैं भीमा शंकर दर्शन करने, तो लौट के बनाएंगे, बाकी देखती हूँ अगर आज इंतजाम कर लिया तो कर लिया डोसा बनाने का बैटर का। बाकी चाय बना ली है, 5:45 या 5:10 बाकी ऐसा कुछ टाइम हो रहा है, फुल्ली रेस्ट पे हूँ, वहां से जो नहा के चली थी अब जाके नहाऊंगी। अमन आएगा थोड़ा सा, देखें शायद बाहर जाएंगे या फिर नीचे सोसाइटी में ही घूमेंगे, थोड़ा चिल करेंगे, चिल बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है तो कभी कभी चिल करना बनता है। तो बस अब चाय पी के जाऊंगी नहाने के लिए, हवा देख लीजिए कपड़े रुक नहीं रहे एकदम। और यहाँ का व्यू तो मैं क्या आपको बताऊं, मजा आ जाता है, आप भी देखो। और क्योंकि हम आए हुए थे तो अब 2-4 दिन अमन ऑफिस से थोड़ा जल्दी ही आएगा, क्योंकि फिर तो हमारी रिटर्न टिकट है और ज़्यादा दिन के लिए हम आए हुए भी नहीं हैं। तो फिर इसने बोला कि चलिए थोड़ा सामान लेना है तो स्कूटी की सवारी करेंगे, जैसा कि मम्मी खाती हैं फल वगैरह सुबह नाश्ते में, तो बस वो सब लेने चले गए थे। एंड फाइनली फिर मैंने बोला कि तू बैठ, मैं नहा के आती हूँ। तो नहा के ये प्लाजो ये जो ख़रीदा था ना बड़े बाज़ार से, जिसकी बहुत गंदी वाली क्वालिटी थी, तो उसमें मैंने क्या किया कि अपनी लेडी टेलर को बुलाया जो घर पे ही आ जाती हैं, 20-25 रुपए लेती हैं, और पूरा ही डबल सिलाई मैंने भरवा दिया इसमें। तो चलिए जब तक चलेगा सो चलेगा, बिल्कुल नया ही है। और ये टी शर्ट अमन वाली पहन ली है मैंने, और ये प्लाजो पहन लिया है। तो बस मैं और अमन निकल गए थे और जा रहे हैं थोड़ा सा सामान लोकल मार्केट से लाने के लिए। जा रहे हैं थोड़ा लोकल मार्केट, बगल की मार्केट में। अमन भूल गया था बैग लाने के लिए जिसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह लेने, क्योंकि यहाँ टोटली प्लास्टिक एंड ऑल बंद है, क्योंकि कलकत्ता में तो फिर भी दे देते हैं, जैसे बैग भूल जाओ तो दे देते सब्जी वाले, बट यहाँ टोटली बंद है। फिर से गया है, 11th फ्लोर पर है इनका घर, और बस अब स्कूटी की सवारी करेंगे, थोड़ा सा कुछ लोकल मार्केट में घूमेंगे, और सुबह कल निकलेंगे भीमा शंकर जी के दर्शन के लिए। तो अब मैं नहा ली हूँ, बहुत अच्छे से रेस्ट कर लिया, क्योंकि वहाँ अपने घर पे तो फिर वो है कि काम इतना रहता है तो सुबह सुबह नहा लो तो काम भी सिलट जाता है जल्दी, तो वहाँ वो रूटीन रहती है, यहाँ बिल्कुल टोटली एकदम फ्री है। और अमन गया है ऊपर, अब आएगा तो निकलते हैं। तो बस ये ऊपर गया था, फिर उसके बाद में वेजिटेबल के लिए एक छोटा सा जैसे पॉलीथीन या बैग लेकर आया है। एंड फाइनली हमेशा की तरह जब भी मैं आती हूँ तो अमन मुझे स्कूटी की सवारी ज़रूर कराता है, फिर चाहे वो लोकल मार्केट में ही क्यों ना जाना हो। तो बस यहाँ पे निकल गए थे हम दोनों, और इसका जो एरिया है ये सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है,
एवरीथिंग, सब कुछ ठीक है, बट रोड जो है जैसा मैं एक साल पहले आई थी ज्यों का त्यों है, अभी तक बना नहीं है रोड। तो रोड बन जाएगा तो फिर बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा सब कुछ। और यहीं ये वही शॉप है, पिछले पुणे वाले ब्लॉग में आप देखिएगा, यहीं मैं आई थी इसके साथ में कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सब्जियाँ एक ही शॉप में, इस तरीके से घर जैसा बना हुआ है, ऐसा शॉप है। ग्वार की फली मेरी फेवरेट है, और ये छोटे वाले बैंगन जो भरवा बनते हैं। तो यहाँ साग सब्जियों का प्राइस बहुत अच्छा था, वहीं अगर देखा जाए तो बिल्कुल उल्टा प्राइस था फ्रूट्स का। जैसे कि ये लंगड़ा आम, तो यहाँ पर ये मिले हैं 130 रुपये किलो, जबकि कोलकाता में 55-60 रुपीज़ केजी इस टाइम पे मिल रहा है। जैसे कि हमारे घर में भी अभी आम वगैरह ज़्यादा ही आ रहे हैं। खुशबू बहुत अच्छी थी, और जब काट के खाया है लाके तो आम भी A1 आम था, टेस्ट में अच्छा खासा मीठा, मगर प्राइस एकदम ही डबल से भी ज़्यादा है। तो थोड़ा आम ले लिया था 1-1.5 किलो के करीब। फ्रूट्स में जैसे ले लिए थे पपीता, सेब वगैरह ले लिए थे। और इतना आप धनिया देख रहे हो, ये आधा किलो से कम नहीं होगा, बट यहाँ 30 रुपये का मिला है। तो इस तरीके से साग सब्जी का प्राइस मुझे पहले भी बहुत सही लगा था यहाँ पे, और अभी भी। तो दूध ले लिया था, धनिया और वेजिटेबल्स ले ली थी थोड़ी सी, थोड़ा फ्रूट्स ले लिया था। फाइनली हम रिटर्न आ गए थे, और उसके बाद में ये हो रहा है तकरीबन 7 बजे का टाइम, तो ये मम्मी के खाना खाने का टाइम है। उससे पहले ही अभी शाम को ये प्रिया ने ही बनाई है आलू गोभी मटर की सब्जी, जैसे कटे मसाले की बनती है स्टू, तो वैसा ही मम्मी को पसंद है, वो ही बनाया है। और चटनी एकदम कमाल की बनी थी, चटनी की तो मैं वैसे भी फ़ैन रहती हूँ, तो बस ये बना ली थी। आटा भी उसी ने गूंद दिया था। तो जैसा मैं बता रही हूँ कि काम वो इतना कर लेती है कि मतलब जैसे मैं आती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा मैं हेल्प कर दूँ, उसका वो मौका ही नहीं देती है, सारा काम खुद ही संभाल लेती है। तो यहाँ बस आटा भी उसने गूंद रखा था। यहाँ मैं बना रही हूँ गोचे वाली घी की रोटी, बिल्कुल गाँव के स्टाइल वाली। तो 1 से 2 रोटी बस मम्मी को लगती हैं, ये हम रोज़ रोज़ तो खाते नहीं हैं। अब आए थे तो इतना समझ आ नहीं रहा था, क्योंकि बहुत सारी दाल पूड़ी भी रखी हुई थी और मम्मी को दोबारा दाल पूड़ी नहीं खानी थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, बन जाएगा और जिसको जिसको खानी होगी खा लेंगे। तो यहाँ फटाफट बनाई थी गोचे वाली रोटी, थोड़ी मोटी मोटी, और गोचा दे के बढ़िया सा देसी घी डाल के। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हाथ तो मैंने बटाने की कोशिश की है, क्योंकि वो सारा ही काम अकेले कर ही लेती है। तो मैंने ही बोला कि रोटी मैं बना के मम्मी को दे दे रही हूँ, क्योंकि मम्मी 7:45 बजे इस तरीके से खाना खा लेती हैं। और मैंने बोला कि शाम की जो संध्या बत्ती है तो वो तुम जाके कर लो, यहाँ रोटी मैं देख लेती हूँ। ये वाली जो गोचे वाली रोटी और चटनी की रेसिपी तो मैं 2 से 3 बार या फिर उससे भी ज़्यादा अपने ब्लॉग में दे चुकी हूँ आप सभी को। तो ये है हमारी आज की पुणे स्पेशल गांव स्टाइल वाली गोचे की रोटी विथ देसी घी, चटनी और आलू गोभी मटर की सब्जी। तो बहुत ही बढ़िया बनी थी, और उसके बाद में फिर मम्मी को दे के खाना यहाँ संभाल ली है सास और बहू ने किचन की कमान, तो मिल बांट के काम कर लिया था। और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ तो अकेले अकेले अपने किचन में लगे रहते हैं, तो बातचीत करते कब सारा काम निपट गया पता भी नहीं चला। और बस यहाँ बना ली थी फ़िलहाल, मम्मी के लिए ही रोटियाँ बनाई थी। तो मैंने बोला था कि दाल पूड़ी रखी हुई है वो वैसे भी एक फिर कल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हम चले हैं वहाँ से मंगलवार की रात को, कुछ 12:40 इस तरीके से हो रहे थे तब मैं निकली थी एयरपोर्ट के लिए। और वो दाल पूड़ी वाले भैया बना कर लेकर आए थे दाल पूड़ी, तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि भाई सुबह से आप ले जाएंगे तो मे भी ख़राब हो जाए, तो वो शाम को बना के और हमारे एरिया में वो आए हैं, फ़ोन किया है लेके काली घाट से इतनी दूर से। तो फिर उनको पूरा आने जाने का भाड़ा वगैरह दिया सब कुछ। तो इस तरीके से, तो वही मैं बोल रही थी कि दूसरे दिन ख़राब ना हो जाए तो वही खा लेंगे। तो सिर्फ मम्मी के लिए रोटियां बना दी थी। और प्रिया का मन था कि आपका व्लॉग देख के साउथ इंडियन वाला, मुझे मन कर रहा है डोसा खाने का, तो फिर यहाँ पर गला लिया था चावल और दाल। 3:1 का रेशियो है जैसा मैंने आपको बताया, तो बस यहाँ पे चावल और दाल डाल के प्रिया ने धो दिया था। और यहाँ इसमें 1 टीस्पून छोटा मेथी दाना डाला है,
आप चाहें तो इसमें जो पोहा होता है ना, वो भी आप इसमें 4 से 5 चम्मच इसके साथ ही गला सकते हैं, या फिर पीसते वक्त इस तरीके से भी ऊपर से डाल के पीस सकते हैं, तो उससे क्रंच बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस 2 से 3 आम जो हैं वो पानी में गला के रख दिए थे ताकि इसकी गर्मी थोड़ी कम हो जाए, और यहाँ काट ले रही हूँ। और आम एकदम औसम था, जैसा कि मुझे बहुत पसंद है लंगड़ा आम। हेमसागर आम भी अच्छे लगते हैं, तो बस ये वाला आम काट के दिया था मम्मी को। और उसके बाद फिर से मैं और अमन निकले हैं बाज़ार, तो अमन ने बोला कि दाल पूड़ी खाएंगे, बट यहाँ की सोया चाप बहुत फेमस है। तो उसके घर से थोड़ी दूर पे यहाँ मेला भी लगा हुआ है, तो यहाँ बहुत सारी वैरायटी खाने की मिल रही थी, जैसे कि येवले, ये जो आप देख रहे हैं पुणे वाले ब्लॉग में पिछली बार आपने देखा होगा, यहाँ की चाय फेमस होती है बहुत, वाकई में बहुत टेस्टी चाय होती है। और इडली वगैरह, जूडियो, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे था, एक ही स्टॉप पे मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो थोड़ी देर रुक के यहाँ से और पनीर टिक्का मसाला ले लिया था, बिल्कुल सूखा वाला, ड्राई वाला, और ले लिया था सोया चाप। तो ये हमने रात में जो दाल पूड़ी हमने खाई है उसके साथ में हमने ये ले लिया था। तो उसके बाद बस घर वापस आ गए हैं, पूरा ही अंधेरा हो रखा है अभी। और आके फिर मम्मी ने खाना खाया, हम जब गए मार्केट तो पीछे से प्रिया ने भी खा लिया। वही मैंने बोला कि प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए, टाइम से खाना खा लिया कर। तो बस उन लोगों ने खा लिया था, उसने बोला कि मुझे नहीं खाना है ये सोया चाप एंड ऑल, उसकी तो फेवरेट दाल पूड़ी आ ही गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, और अमन से भी ज़्यादा शायद उसी ने खाया है बार बार, मतलब जितने बार भूख लगी उतने बार दाल पूड़ी गर्म करके खाई। बस यही है कि यहाँ नहीं मिलती है इसलिए, और आए भी हैं तो 1 साल से भी ऊपर हो गया आए हुए हम लोगों को, तो बहुत समय के बाद दोनों को दाल पूड़ी नसीब हुई है, वो भी कोलकाता की। तो मेरी ये जो प्लेट है जिसमें चटनी है वो मेरी थाली है, अमन को चटनी नहीं चाहिए थी। तो ये था हमारा डिनर, और इसके साथ था पनीर टिक्का मसाला और सोया चाप। फाइनली बस एकदम रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे बालकनी में आ गए थे, मेरे कपड़े भी सूख गए थे तो उठा के रख के आ गई थी मैं रूम में, फिर मम्मी तो सो गई थी, जल्दी सो जाती हैं, तो यहाँ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम अपने बेटे बहू के साथ मैंने स्पेंड किया काफ़ी समय के बाद में। तो बहुत देर तक हम यहाँ खड़े होकर बातें करते रहे, और अभी आप थोड़ी देर बाद यहाँ का रात वाला व्यू देखिएगा, एकदम औसम वाला व्यू है। तो चलिए कुछ इस तरीके से बीता था, कोलकाता से चले थे और यहाँ पूरी होने लगी है रात। तो अब आ गई हूँ इसी के साथ इस वीडियो के एंड पर, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग।